एक सीन हो गया यार, आते आते पानी क्रॉस करते हुए हमने शूज उतारे और एक शूज निकल गया हाथ से। और अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे ऑफ माय लाइफ। और सब अच्छा है। और हमेशा से जो हमारी इंट्रो होती है, जो हमारी वीडियो की स्टार्टिंग होती है, हमेशा कमरे से होती है, लेकिन फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया है इरफान भाई को कॉपी करते हैं, इरफान जी ने जो हम कॉपी करते हैं, तो हमने चेंज कर दिया। चेंज होने के बाद लेकिन बाकी वीडियो वहीं से स्टार्ट होगी, रोड से। और आपका भाई यहीं खड़ा है, आपका भाई यहीं वेट कर रहा है, तब तक आप ज़रा वो सारा घूम के आए। पानी के पास नीचे आ गए, यहाँ पर हमारे रोमियो खुरम साहब जो हैं वो भी तैराकी लगा रहे हैं। बाकी फ़िशिंग का सीन ऐसा जा रहा है कि फ़िशिंग का सीन थोड़ा दूर है, वो आगे कर रहे हैं। हमारे बुरहान साहब गए हैं उधर, और हमारे एक और बड़े प्यारे से दोस्त हैं वो भी गए हैं। बाकी हम लोग थोड़ा इधर से आए, हमने कहा थोड़ा सा ब्लॉग होना चाहिए, ब्लॉग के बाद फिर हम कुछ सोचते हैं। बाकी एक सीन हो गया यार, आते आते पानी क्रॉस करते हुए हमने शूज़ उतारे और एक शूज़ निकल गया हाथ से। और बाकी सीन कुछ भी नहीं है यार, अभी तक हम पहुंच चुके हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा, और बाकी क्या नाम है, नहाने का बहुत दिल है लेकिन भाई आपका ट्राउज़र नहीं पहन गया, पैंट शर्ट पहन है, गलती की सबसे बड़ी वरना अगर ट्राउज़र ना होता तो भी आपका भाई चम लगा चुका होता है पानी में। और अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर, कर रहे हैं सीन्स, कुछ करते हैं, अभी जाते हैं फ़िशिंग वाली साइड भी देखते हैं। और जो बेसिकली आए किस पॉइंट पर हैं, पॉइंट हम लोग आए हैं अंगूरी। और जो पहले हमारा पॉइंट था जाने का, वो हमारा था लेक व्यू, जो के रावल डैम के क्या कहते हैं, जो आपने पहले सुना होगा इस्लामाबाद का काफ़ी फेमस पॉइंट है आपका रावल डैम, हमने वहाँ जाना था लेकिन वहाँ नहीं हम गए। और वहाँ पर जाने ना जाने की रीज़न क्या थी, रीज़न ये थी कि वहाँ पर फ़िश पकड़ने का लाइसेंस होता है और पर हेड कुछ देना पड़ता है भी उनको, तो भाई शेख हमने नहीं दिया कुछ, हमने उसका अल्टरनेटिव हल निकाला है। हल ये निकला कि हम अंगूरी जाएंगे, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे भाई स्विमिंग ये वो। और वैसे ये काफ़ी डेंजरस भी है, 110 फुट इसकी जो गहराई है कहते हैं, और काफ़ी लोग यहाँ पर गिर के मर चुके हैं लेकिन। और हाँ यार, अगर वॉइस क्वालिटी अच्छी ना आए तो भाई माजरत हुआ है, क्योंकि आपको पता है भाई माइक यूज़ नहीं करता। बाकी चलते हैं कुछ व्यू उठाते हैं। और best thing in your life, way, oh, way, oh, oh.
अभी तक वैसे कोई नाम निशान नहीं है मछली का, और डाल के रखी भी है इन्होंने कुंडी। देखो ब्रांड भाई की किस्मत और हमारी, ये तो बड़े दावे के साथ आए हैं कि इस जगह पे यहाँ से फिश इजीली मिल जाएगी यहाँ पर डालने से कुंडी। लेकिन लेकिन राजा जी स्टोरी बहुत खतरनाक स्टोरी है, कुंडियाँ फेंक फेंक के, और अभी तक रिजल्ट कोई नहीं ऐसे निकल रहा। लाइट भी काफ़ी कम हो रही है, और शाम के 5:23 हो चुके हैं और अभी तक हम यहीं पर हैं। नहाने वाली आवाम आई जा रही है, फिशिंग वाली आवाम है, दो चार हैं लोग वो लास्ट में कर रहे हैं वहाँ पर, जिनको छोटी छोटी फिशेज उन्होंने पकड़ी हैं होटल में डाल रहे हैं। और हमारा सीन अभी कुछ ऐसा है कि अभी तक हमारे कोई हाथ लगी नहीं है, वैसे ट्राई कर रहे हैं कि मे भी कोई आ जाए, पॉसिबिलिटी ज़्यादा थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं कि कोशिश है कि आ जाए तो वेल एंड गुड, एक अच्छी बात है। अगर ना आई तो अभी कोई कोई बात नहीं हुई। बाकी का सीन कुछ ऐसा चल रहा है कि भाई को ये सारे लोग देख रहे हैं, कह रहे हैं यार यहाँ पर तो सारे नहाने आए हैं, ये पागल एक लगा हुआ कैमरे से बातें कर रहा है। क्या कहते हैं अरमानी के, कहते थे यार बावला हो गया कैमरे से बातें कर रहे हैं, चेक कर। Take your time, not in the fast lane. I understand that you've been broken too many times, but I'll be waiting to mend your wounds from all you've taken. But if we listen to each other, सबर की इंतहा होगी। और ब्रांड साहब बैठे हैं वो देख रहे हो आप, ब्रांड साहब क्या कहना चाहेंगे, उम्मीद लगाई भी आपने, जिन्हें उम्मीद तोड़ा है मछली ने, बैठे देखिए कब बात। मछली तो आई नहीं लेकिन ये आ गई है बकरियाँ। भैया अभी तक हमने जितनी देर भी डाल के रखी है वो कंडा, मछली नहीं आई, ठीक है। और कुरान भाई ने, हुरम भाई ने, हमारे कोर दोस्त हैं प्यारे से तैमूर भाई ने, इन्होंने बड़ी ट्राई की है लेकिन नहीं निकली मछली। कोई नहीं, बैड लक खैर होता रहता है, कभी कभार ऐसा भी हो जाता सीन, लेकिन ये कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप जाएंगे, लेकिन इधर ही है ना, नेक्स्ट टाइम कहीं और प्लान करेंगे, झेलम का शायद बन जाए, या फिर अपना रावल डैम जो पहले हमारा बहुत मशहूर है इस्लामाबाद में, आपको जैसे कि पता है लेक व्यू की जो अपोजिट साइड है जो पहले हुआ करती थी, तो वहाँ पर फ़िशिंग पॉइंट भी बहुत अच्छे हैं, जो बनीगाल वाली साइड पे भी हैं, वहाँ पर लोग अच्छी फ़िशिंग करते हैं, कहते हैं वहाँ पर पकड़ी जाती है। इधर का भी बहुत सुना था लेकिन बैड लक, चलो कोई नेक्स्ट टाइम। और अभी एक्शन गेम की बैटरी थोड़ी कम है, वापसी का शॉट ही बनेगा क्योंकि उसकी बैटरी डाउन है। और अभी हम लोग एक काम करेंगे कि अभी डायरेक्टली हम मिलेंगे अपना शॉप पर, जो I8 पॉइंट है हमारा सारों का इकट्ठे होने का, वहाँ पर पॉइंट पर चलते हैं और एक दो चीज़ें हैं वो करनी हैं, और वहीं भी मिलते हैं, अभी डायरेक्ट शॉप पर मिलते हैं आपको। तो भाई 7:40 हो गए हैं और वापस आ चुके हैं, अभी ऑफिस में इधर आए हैं पूरम भाई के, बैठे हैं अभी, खाना खाना मंगाया हमने, खाना खाना आता तो खाना खाना खाते हैं अभी। और जो आज फिशिंग का प्रोग्राम था वो तो हमारा आपको जैसे कि हमने वीडियो में बता दिया आपके, कंप्लीट नहीं हुआ और कोई फिश हाथ में आई नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिस थी। तो अभी हमने जाने आगे, हमारा जो टारगेट है वो इंशाल्लाह अपना नॉर्थन एरिया में, जहाँ पर पानी में सही फिशेज वगैरह जहाँ पर होती हैं, जहाँ पर ट्राउट वगैरह, कोशिश करेंगे वो पकड़ने की। ये तो जरा एक सैंपल के तौर पर हम गए थे, कोशिश करने गए थे, और कैसा अच्छा बाकी। तो आज की वीडियो यहीं पे हम एंड करते हैं, वीडियो अगर पसंद आती है तो भाई लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाकी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, लिव योर लाइफ विद योर पैशन का।
थी वीडियो, तो आज हम वहाँ से नहीं स्टार्ट करें, आज हम एक नए तरीके से दास से स्टार्ट करेंगे, आज हम बाहर वीडियो स्टार्ट करेंगे।